जमानत पर छूटे आरोपी, कोर्ट केस में राजीनामा कर दे रहे बेटों को जान से मारने की धमकी। मैं एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कटोरा लोधी गांव में एक महिला के बेटे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बुधवार को इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कटोरा लोधी गांव की रहने वाली महिला शिमला पत्नी सट्टू शिकार ने बुधवार को एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि करीब 7 माह पूर्व घर के पीछे कचरा फेंकने की बात को लेकर उसका पड़ोसियों से विवाद हो गया था। इसी विवाद पर से दबंग पड़ोसियों ने उसकी बेटे की बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे उसके बेटे सिर और पैर में फ्रैक्चर होकर गंभीर चोटें आई थी। इस घटना की रिपोर्ट उसने दिनारा थाना में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी हाल ही में जमानत पर छूट कर बाहर आ गए, तभी से आरोपी कोर्ट केस में राजीनामा के लिए उसे पर दबाव बना रहे हैं। विगत 24 नवंबर 2023 को आरोपी रामजीवन राम अवतार राजा और ब्रजेश वंशकार उसके घर आए और उस समय मेरे घर पर मैं और मेरी पुत्री रंजिता वंशकार मौजूद थे। मेरा पति व पुत्र घर पर मौजूद नहीं थे। सभी आरोपी बोले कि तुमने जो रिपोर्ट हमारे विरुद्ध दर्ज कराई एवं जो केस कोर्ट में चल रहा है उसमें राजीनामा कर लो, अगर इस बार हम जेल गए तो तुम्हारे पुत्रों को जान से खत्म कर देंगे तथा मेरी पुत्री से भी गंदी गंदी अश्लील गालियां देकर चले गए। ब्रजेश अपने हाथ में अवैध कट्टा लिए था, जो हमारे घर पर आकर एवं मेरे पति को रास्ते में रोककर उक्त केस को लेकर राजीनामा करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। माता जी आपका शिमला से आए हो? ग्राम कड़ोरा लोधी से। थाना कौन सा लगता है? दिनारा। अच्छा, आज एसपी साहब के यहाँ आए, समस्या लेके आए कि हमारे हमें पहले हमारे लड़का को मारा, मारपीट करी और पैर काट दिया, पैर की 2 हड्डी टूट गई, सर फाड़ दिया, पैर कुल्हाड़ी से काट दिया और मेरे बच्चे को मारने की अब फिर धमकी दे रहे हैं जी। कह रहे हैं कि राजीनामा कर लूँ तो ठीक है और नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों मारा तुम्हारे बच्चे को? मेरे कोई बात नहीं है, थोड़े से कचड़ा के ऊपर से लड़ाई हुई और कोई बात नहीं है कि कचड़ा फेंक दिया तो कचड़ा फेंकने को गए तो उनने पीछे लग के मारपीट करने लगे, गाली गुलौज करने लगे। एक कचड़ा कहाँ पर फेंका था? उनके घर के? नहीं, उनके घर के नहीं, मेरे लड़का के घर के पीछे। हाँ, मेरे लड़का का मकान बना हुआ है उसके पीछे। मैंने थाने में कंप्लेंट नहीं कराई? कराई थी साहब, तो उनने अपने पैसे ले दे के अपने उनने छोटा मोटा केस कर दिया। फिर मैं एसपी साहब के बंगले पे आई, जब उनने वहाँ पे डांट न दी थाने पे, तब उनने फिर जी 26 लगाई। फिर क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? फिर अब मेरे बच्चे के साथ अभी कुछ नहीं, अब तो जी है कि अभी पैर कटा है तो अभी उसका इलाज चल रहा है। अभी बच्चा मेरा दतिया में है, इलाज चलता है सही तरह से। अभी मेरा बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। क्या चाहती हो अब? मैं जी चाहती हूँ कि साहब मेरे बच्चे को वो धमकी दे रहे हैं तो क्या करें बताओ, क्या कर कैस क्या करा जाए? क्या चाहती हो पुलिस से? क्या चाहती हो आप जी? करिए जी है कि पुलिस से जो चाहते कि मेरी रक्षा की जाए, मेरे बच्चे। आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ जी, कह रहे हैं कि तुम कह देना घुस के आ जाते हैं और कट्टा बता रहे हैं जो कह रहे हैं।